हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। जैसा कि सभी जानते हैं, जो सीटेट की मार्कशीट है वो डिजी लॉकर पर अपलोड कर दी गई है। तो आप सभी लोग सीटेट की मार्कशीट डिजी लॉकर पर किस तरह से डाउनलोड करेंगे, देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए कि डिजी लॉकर का अकाउंट आपका क्रिएट होना चाहिए। अगर डिजी लॉकर का अकाउंट नहीं बना है तो आज के वीडियो में हम आपको सबसे पहले वही बताने वाले हैं कि आप डिजी लॉकर में अपना अकाउंट किस तरह से बनाएंगे। देखिए, चाहे सीटेट की मार्कशीट हो, चाहे हमारा आधार हो, या जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके आधार से लिंक हैं, जैसे मान लीजिए हमारा व्हीकल रजिस्ट्रेशन हो गया, आरसी जिसे बोलते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, जितने सारे सर्टिफिकेट हैं और मार्कशीट वगैरह हैं वो आपको डिजी लॉकर पर आसानी से अपलोड भी कर सकते हैं आप, और वहाँ फ्यूचर के लिए सेव भी कर सकते हैं। ये टोटली सिक्योर है, सुरक्षित है। ये भारत सरकार का एक डिजिटल इंडिया द्वारा चलाया गया प्रोग्राम है। तो इसका एक एप्लीकेशन भी है प्ले स्टोर पर डिजी लॉकर का, चाहे तो आप वो डाउनलोड कर सकते हैं अपना अकाउंट क्रिएट, और चाहे तो आप वेब वर्जन से जो हमारा गूगल के द्वारा है, वेबसाइट के द्वारा डिजी लॉकर की वहाँ सेव कर सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि वेबसाइट के माध्यम से आप डिजी लॉकर पर अपना अकाउंट किस तरह से क्रिएट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप गूगल का क्रोम ब्राउजर ओपन कीजिए और सर्च बार में टाइप कीजिए डिजी लॉकर। देखेंगे यहां पर आ रहा है डिजी लॉकर, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ी देर प्रोसेसिंग होगी और आपके सामने डिजी लॉकर का जो मेन पेज है ओपन होकर आ जाएगा। देखिए इस तरह से ये मेन पेज है। आपको ध्यान रखना है ये क्रोम ब्राउजर की थ्री डॉट्स होंगी, इस पर आपको क्लिक करके इसको डेस्कटॉप साइड में कन्वर्ट कर लेना है, जिससे आपको सारे जो फंक्शंस हैं इसके ऑप्शंस हैं क्लियरली विजुअल हो जाएंगे। आप देखिए इस तरह से आपके सामने सारे ऑप्शंस क्लियरली विजुअल हो गए। आपको दिखा दें, देखिए नीचे क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ये आधार आइडेंटिफिकेशन है, ये रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी, इस तरह से ये सारी चीज़ें सुविधाएं हैं जिससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप यहाँ पे आसानी से अपलोड कर सकते हैं। अब देखिए बताते हैं किस तरह से अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं, साइन इन एंड साइन अप। आइए जूम करके दिखा देते हैं आपको। ये देखिए साइन इन एंड साइन अप। तो अभी हमें साइन इन पर नहीं क्लिक करना है, साइन अप पर करना है, क्योंकि हमें अपना अकाउंट अभी बनाना है। तो साइन अप पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इस तरह से आ गया। यहाँ पर आपको अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है, यहाँ पर अपना पूरा नाम डालना है जो आपके आधार कार्ड में हो, ध्यान रखना है लिखा हुआ है फुल नेम एज पर आधार। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो भी है आपका मेल फीमेल अदर वो भर लेना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर भरना है, और यहाँ पर 6 डिजिट का कोई पिन चूज कर लेना है, ठीक है, नंबर्स में होना चाहिए 6 अंकों का, और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, और यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है। ये सारी डिटेल भर लेने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। चलिए डिटेल भर लेते हैं। डिटेल भर लेने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके देखिए रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो आपको यहाँ भरना होगा। देखिए अगर आपको ओटीपी नहीं मिलता है तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिसेंट ओटीपी, जैसे ये ब्लू हो जाए आप रिसेंट ओटीपी पर क्लिक करके फिर से ओटीपी पा सकते हैं। ओटीपी भर लेने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। थोड़ी प्रोसेसिंग होगी आपके सामने, उसके बाद ये आपकी प्रोफाइल ओपन होकर आएगी। इस तरह से आप देखेंगे आपके सामने ये आपके प्रोफाइल का नेम लिखकर आ जाएगा। यहाँ पर आपका डैशबोर्ड होगा, ठीक है, ये यहाँ पर इश्यूड डॉक्यूमेंट होंगे, यहाँ अपलोडेड डॉक्यूमेंट होंगे जो आपने अपलोड किए होंगे, ठीक है, यहाँ पर शेयर डॉक्यूमेंट होंगे जो आपने शेयर किए होंगे, ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं आपकी ईमेल दर्शाएगा जो कह रहा होगा प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल, और यहाँ पर सेंड वेरीफिकेशन लिंक आएगा, इस पर क्लिक करके आप वेरिफिकेशन लिंक सेंड कर लेंगे, आपकी ईमेल जो है वेरीफाई हो जाएगी। चलिए बताते हैं किस तरह से। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर तो लिखकर आएगा वेरिफिकेशन लिंक हैज बीन सेंड टू योर ईमेल, ठीक है, तो आपको अपनी ईमेल ओपन करके देखनी है, आपकी जो ईमेल है डिजी लॉकर में पड़ी हुई वो वेरीफाई हो जाएगी, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई न्यूज लेटर हुआ डिजी लॉकर की तरफ से वो इन्फॉर्मेशन आपकी ईमेल पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी, ठीक है। तो ये इस तरह से था। अब देखिए क्या करना है, आपको यहाँ पर जाके एक बार इसे लॉग आउट कर देना है। यहाँ लॉग आउट ऑप्शन आ रहा है,
लॉगआउट करेंगे इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पर फिर से लॉगिन करेंगे। देखिए ये प्रोसेस क्यों है, दोबारा से लॉगआउट करने के बाद लॉगिन करेंगे तो आपको यूजर नेम क्रिएट करने को बोलेगा। फिर से आप अपना वही मोबाइल नंबर डालिए, उसके बाद जो आपने पिन सेट किया था वो पिन डालिए, ओटीपी फिर से आएगा आपके मोबाइल पर, ओटीपी आ जाने के बाद उसे सबमिट कर देंगे भरने के बाद। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है क्रिएट यूजर नेम फॉर योर अकाउंट। अब आप अपने अकाउंट के लिए यूजर नेम क्रिएट कर लेंगे। आपको बता दें यूजर नेम किस तरह का होना चाहिए, यूजर नेम कोई भी लेटर्स हो जैसे ABC, ठीक है, कोई भी नंबर्स हो 123 इस तरह से, और आप स्पेशल करेक्टर में @#$ ये नहीं यूज कर सकते। ध्यान रखना है आपको @ ये नहीं यूज करना है या डॉलर इस तरह से नहीं यूज करना है, ठीक है। आपको क्या लगाना है, आप केवल इसमें डॉट या ये डाउन हाइफन जो होता है वो आप लगा सकते हैं, बस इन दो के अलावा आप स्पेशल करेक्टर नहीं लगा सकते। आइए यूजर नेम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई नाम है ABC, अपने नाम के पहले 3 लेटर ले लिए, डॉट लगा दिया, फिर आपने अपने लेटर अगले ले लिए जैसे बाई, और आपने कोई नंबर ले लिया 123, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। या जैसे आपने ले लिया ABC डॉट बाई और नीचे वाला हाइफन 123, इस तरह से आप ले सकते हैं, अदर स्पेशल करेक्टर नहीं ले सकते हैं। यूजर नेम भरने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। देखिए यूजर नेम सक्सेसफुली अपडेटेड हो जाएगा, योर यूजर नेम इज नाउ एक्टिव, आपके पास पॉपअप मैसेज आ जाएगा। इस तरह से आपका अकाउंट जो है सक्सेसफुली डिजी लॉकर का क्रिएट हो चुका है। आप देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल करके अभी यहाँ पर 0 डॉक्यूमेंट इशू है। आपको अदर डॉक्यूमेंट चाहिए तो यहाँ गेट इशू डॉक्यूमेंट पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए अदर सर्विसेज दिखाएगा आपको आगे प्रोसेसिंग होने के बाद। ये देखिए यहाँ पे देखिए आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन है, HSC मार्कशीट है, राशन कार्ड, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, CBSE, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, देखिए बहुत सारी सुविधाएं हैं इनसे रिलेटेड, LIC देखिए, पॉलिसी वगैरह, बजाज इंश्योरेंस, सभी के डॉक्यूमेंट आप अपनी जो भी हैं इस पर आपको मिल जाएंगे और आप अपलोड कर सकते हैं डिटेल डालकर। आपके सुरक्षित रहेंगे, आप कहीं भी किसी भी टाइम पर इन्हें एक्सेस कर पाएंगे और उनका फायदा ले पाएंगे। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट को इसमें अपलोड करेंगे या जो हमारी CTET की मार्कशीट आई है किस तरह से इसमें डाउनलोड करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा, कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको क्रिएट करने में तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।